भरवा भिंडी, भरवा बैंगन तो आपने खूब खाया होगा, लेकिन क्या आपने भरवा लौकी का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज ही ट्राई करें भरवा लौकी की लजीज रेसिपी के साथ। इसे वेजिटेरियन फिश भी कहते हैं। एक छोटी कच्ची सी लौकी लेंगे और उसे चाकू की सहायता से छील लेंगे। दोनों किनारे काटते हुए हम स्कूप से या चाकू की मदद से इसे बीच में से खोखला कर लेंगे। बीच से निकले हुए भाग को हम फेंकेंगे नहीं, इसे वापस से स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे। लौकी खरीदते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लौकी एकदम कच्ची हो, छोटी हो और थोड़ी स्ट्रेट हो, ताकि उसे खोखला करने में आसानी हो जाए। पूरे सॉफ्ट पार्ट को अच्छे से निकाल देंगे। देखिए, आइए अब स्टफिंग की तैयारी करते हैं। 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 प्याज, 2 हरे मिर्च, 1 इंच अदरक, 1 टमाटर लेंगे। टमाटर का अलग से पेस्ट बनाएंगे और बाकी सबका पेस्ट एक साथ बना लेंगे। अब 3 टेबलस्पून तेल गरम करके उसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जैसे ही जीरा तड़कने लगे उसमें प्याज लहसुन की जो पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे। अब इसे अच्छे से हिलाएंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालकर उसे अच्छे से हिलाएंगे। जैसे ही मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे, हम इसमें टोमेटो पेस्ट डाल देंगे। इसे तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। अब थोड़ा हरा धनिया काटकर और आधा टीस्पून गरम मसाला डालकर इसे थोड़ा सा सौते करेंगे और गैस बंद कर देंगे। जब मसाला ठंडा हो जाए तब हम इसे लौकी में स्टफ कर देंगे। इसे स्टफ करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे स्टफ किया है मैंने। भरवा सब्जियां जितनी देखने में लुभावनी होती हैं, उतनी खाने में भी लजीज होती हैं। थोड़ा हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छे से स्टफिंग हो जाएगी। अब बचे हुए मसाले को प्लेट में डालकर उसी के ऊपर हम लौकी रख देंगे और चुटकी भर नमक हम लौकी के ऊपर बुरका देंगे, ताकि लौकी में नमकीन स्वाद आ जाए। लौकी से मसाला बाहर ना निकले, इसलिए हम दोनों तरफ से काटे हुए पार्ट को वापस से उसे पैक कर प्रेशर कुकर में ढोकला स्टैंड या थाली लेकर 5 विसल आने तक पकाएंगे। स्टीम रिलीज हो जाने के बाद हम चाकू से कट लगाकर चेक करेंगे कि लौकी पकी या नहीं। स्टफिंग के एक्स्ट्रा मसाले में गर्म पानी मिलाकर हम इसे स्टफ्ड लौकी के ऊपर डाल देंगे और इस तरह से हमारी वेजिटेरियन फिश यानी भरवा लौकी ग्रेवी के साथ तैयार है। धनिए से गार्निश कर देंगे। बीच में से काटकर इसे सर्व करेंगे और फिर इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। भरवा लौकी की इस लजीज रेसिपी को ट्राई कीजिए और उंगलियां चाटते रह जाइए। इसे रोटी, पराठा, तंदूरी रोटी, नान किसी के साथ भी खाइए और खिलाइए।